नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उससे पहले चलिए हम डाल लेते हैं आज की मार्केट पर नज़र। मार्केट ने आज मिला जुला मूड दिखाया, कुछ लगभग पौने यहाँ पर 0.72% की यहाँ पर तेजी दिखाई, उसका लगभग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे हैं उसके बहुत ही करीब आकर आज फिर से मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है। आई होप कि मार्केट जल्दी से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाए और प्रीवियस हाई से भी ऊपर निकले तो हमारे लिए यहाँ पर नई तेजी की पोजिशन बनाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ सारे संकेत मिल जाएंगे। तब तक पहले हमें करना पड़ेगा इंतजार। तो चलिए दोबारा से अपने शेयर पर चलते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं अपने शेयर को किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है यहाँ पर हमारे इन्फीबीम में। इन्फीबीम शेयर को हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न बन रहा है। राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है वो मंदी का चार्ट है, लेकिन अब इस चार्ट पर यहाँ पर हमें नेक लाइन पर सपोर्ट मिल चुका है। चलिए पहले मैं चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए ये क्या चार्ट पैटर्न होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर ये इसकी नेक लाइन है जो कि काफ़ी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये बड़ी है। तो ये जो नेक लाइन थी इसे यहाँ पर अगर तोड़ता शेयर तो काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट जो नीचे के लेवल पर थे वो हमारे पर मौजूद हैं यहाँ पर 6 रुपये के लेवल पे। तो ये 15 रुपये का शेयर है, अगर यहाँ से इस जो बड़ा सा आपको चैनल दिख रहा है पैरेलल चैनल, अगर इसको तोड़ के शेयर नीचे निकलता है तो आपके पास यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं यहाँ पर इन्फीबीम के पास। लेकिन इन्फीबीम ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ दोबारा से यहाँ पर प्रस्थान कर लिया है और देखते हैं 400 डे मूविंग एवरेज पर अगर नज़र डालते हैं हम तो अभी 400 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर हमें 18 रुपये के ऊपर नज़र आ रहा है। 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आने पर हम ही इसे समझेंगे कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है शेयर। अभी तक ये शेयर डाउन ट्रेंड में है तो अभी तक इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना कोई भी सही सलाह नहीं होगी यहाँ से। चलिए RSI पर नज़र डालते हैं। RSI भी यहाँ से देख सकते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन से बड़ी तेज़ी से ऊपर आई है। आप लोग देख सकते हैं जब भी ये देखिए यहाँ पर 11 मई को ये RSI ओवरसोल्ड हुई थी और उसी दिन से यहाँ पर तेज़ी काफ़ी आई है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्राइस जो है नीचे गया है और RSI ऊपर गई है। इसके बाद यहाँ पर RSI ने थोड़ा स्टेबिलिटी नज़र आई है, लेकिन ये डाइवर्जन बन रहा है। यहाँ पर RSI ऊपर जा रही थी और प्राइस आप लोग देख सकते हैं किस तरह से प्राइस नीचे जा रहा था। तो कुछ ना कुछ इसमें लोचा था, लेकिन अभी लोचा यहाँ पर सही हो चुका है। अभी इस लोचे को जितना देर और होल्ड कर सकते हैं हम लोग होल्ड करेंगे। जब तक हम इंतजार करेंगे तब तक ये शेयर यहाँ से 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर बाउंस नहीं ले लेता। कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें रही होंगी शेयर में, तभी इतनी तेज़ी से शेयर इतना बढ़िया 60 रुपये पर चलता शेयर एकदम से कुछ ही दिनों के अंदर 15 रुपये के ऊपर आ गया है। अब फिर से उसी 15 रुपये के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। देखिए लेवल्स किस तरह से मैच होते हैं शेयर में, आप लोग ये देख सकते हैं। जहाँ पर पिछली बार शेयर ने नीचे आए धड़ाम से गिरा था, अभी उसी जगह पर शेयर फिर से आ चुका है। तो अब यहाँ से आपको पोजिशन मेरे हिसाब से तभी बनानी चाहिए जब 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, और अगर उसके बाद हमें 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फिर शेयर मिलता है तो हमें धीरे धीरे यहाँ पर और जो है हमारे पास बड़े बड़े रेजिस्टेंस लेवल उनका ध्यान रखना होगा, उनके आसपास हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते चलें। क्योंकि रेजिस्टेंस जो भी होते हैं उनसे शेयर एक बारी में निकल जाए ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत समय लगाते हैं रेजिस्टेंस निकलने में और रेजिस्टेंस तोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से जाते हैं। तो इसलिए रिस्क यही रहता है, अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ से राउंडिंग टॉप के बाद यहाँ पर हम अगर यहाँ से रिवर्स या फिर इनवर्स कप एंड होल्डर के पैटर्न की तरफ देखें इसे, अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह बनेगा, लेकिन ये उल्टा कप एंड हैंडल है। तो अगर आप लोग इस रेंज से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ से ये जो यहाँ से पैरेलल चैनल बन रहा है, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है,
ये रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे सपोर्ट बन रहा है, अगर इस चैनल को तोड़ता है और 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। एंट्री आपको करने का एक ही तरीका हमने बताया हुआ है कि अगर आप लोग यहां से एंट्री करना चाहते हैं तो इस पैरेलल चैनल के नीचे रखेंगे आप लोग स्टॉप लॉस जहां भी वो होगा और उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी लेंगे। मान लीजिए अगर आपको यहां से 4 रुपये का स्टॉप लॉस मिलता है तो आप लोगों को यहां से 6 रुपये अर्न करने पड़ेंगे, तब तक आप लोगों को यहां पर रुकना पड़ेगा। 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको रखना होगा। तो इस रेजिस्टेंस के बाद आप लोग अपनी उस अगले 26 रुपये के रेजिस्टेंस से पहले आप लोग अपनी पोजिशन में कुछ न कुछ यहाँ पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं ताकि आप लोग प्रॉफिट ले जाए यहाँ पर। बाकी अभी इस शेयर की चाल ढाल पे आपको नज़र रखनी होगी, जब तक 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर नहीं आता तब तक आप लोगों को किसी भी तरह का मूव लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने ऊपर से एंट्री की हुई है उन लोगों के लिए तो ये होल्डिंग करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ से 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आपको शेयर फिर से यहाँ से ऊपर आता नज़र आता है तो आप लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन और बढ़ाकर यहाँ पर अपनी पोजीशन में ऐड करके ताकि आप लोग यहाँ से प्रॉफिटेबल हो सकें, थोड़ी पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर हम इस शेयर के फंडामेंटल पर। फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल 380 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था जून तिमाही में, रेवेन्यू जनरेट किया था और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 23 करोड़ का लगभग यहां पर प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिटेबल मार्जिन भी 10.5% या लगभग 11% के हैं जो कि स्टेबल हैं, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। पहले इसके मार्जिन बहुत अच्छे थे लेकिन अब थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टरली क्वार्टर तो हमेशा अच्छा ही यहां पर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। 26, 23, 18, 14 देखिए इतने करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। जब भी आप किसी शेयर में एंट्री करें सबसे पहले उसमें ये जरूर चेक कर लें वो कौन सी इंडस्ट्री का शेयर है। अगर हम इसे देखते हैं इन्फीबीम को तो ये कॉमर्शियल सर्विस का है, मिसलिनियस कॉमर्शियल सर्विस। तो इसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाके जान लेते हैं कि इन्फीबीम होल्डिंग कंपनी है जो इंगेज करती है ई कॉमर्स पेमेंट सॉल्यूशंस बिजनेस के ऑल साइज ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट को भी ये अपनी सर्विस देती है। तो ई कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं प्रोडक्ट हैं उनके बारे में ये उनकी हमें सर्विस देती है और 2010 में फाउंडेड गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। तो कंपनी वेल स्टैब्लिश है, 2010 से काम कर रही है और प्रॉफिट भी अब 2-3 तिमाही से अच्छा जनरेट कर रही है। शायद इसमें कोई न्यूज़ आने वाली है इसी के लिए चर्चा का केंद्र बन चुका है शेयर। आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। चलिए इसके साथ साथ इस शेयर की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि इस शेयर में कैसे कैसे हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक की हिस्सेदारी देख सकते हैं 61% है, FI की हिस्सेदारी भी इस शेयर में है जो कि एक अच्छी बात है। FI की हिस्सेदारी अगर देखते हैं तो जून तिमाही में 7.1% की थी जो हमेशा से 7 के आसपास ही बनी रही है। DI की इसमें कोई भी यहाँ पर पोजीशन नहीं है, पब्लिक होल्डिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पर प्रमोटर का हिस्सा जो है वो 30% है। दिक्कत भी इस शेयर में कोई नहीं है, अच्छी यहाँ पर होल्डिंग है। जब FI वाले भी होल्ड कर रहे हैं तो ये कंपनी अच्छी होगी जिन्हें रिटर्न पाने की यहाँ से उम्मीद होगी। तो इस शेयर में सब कुछ अच्छा है, चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा है और 400 डे मूविंग एवरेज को आपको इंतजार करना है। इसी में आप लोगों का समझदारी भरा डिसीजन होगा। पोजीशन कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया किस तरह से पोजीशन कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह से शेयर को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में चेक करते हैं। इस चैनल को उद्देश्य दोस्तों आपको किसी तरह के टिप्स ट्रिक्स देने का नहीं है, हम लोग चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट देखना पढ़ना समझना बता दें ताकि आप लोग यहाँ पर सेल्फ डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, आप लोग किसी पर डिपेंड ना रहे, किसी यूट्यूब चैनल मेरे पे या फिर किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, कॉल प्रोवाइडर पर या न्यूज़ वालों पर आप लोग यहाँ पर किसी तरह निर्भर ना रहें। देखिए चार्ट पर सब कुछ पता चलता है, न्यूज़ आने वाली होती है उसका भी पता चलता है। न्यूज़ कई बार ये होता है बहुत लेट आती है हम तक और हम लोग तो बहुत लेट हो जाती है, लेकिन चार्ट पर सारे मूवमेंट आपको मिलते हैं। बस आप लोगों को नज़र रखनी होती है और बाकी आपके टेक्निकल इंडिकेटर आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में। अगर आप लोग चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को यहाँ से एजुकेटेड बना जाए। बस आप लोगों को हमारी हेल्प करनी है कि इस चैनल से आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, साथ साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है और साथ साथ आप लोगों को इन कोर्स जो हमारे चैनल फ्री ऑफ
कॉस्ट उपलब्ध है उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी यहाँ से मार्केट से नॉलेज प्राप्त करके वो लोग भी अपना इस मार्केट में करियर बना सकें। क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत ये होती है शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत से लेकर एंड तक हर चीज़ का यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताई गई है। इस चैनल पे हमारा उद्देश्य यही है कि ज्ञान को हमेशा फ्री रखा जाए, यानी ज्ञान की कीमत ना लगाई जाए और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज्ञान दिया जाए। बस लोग अपनी मेहनत से उसे समझें और इसे अप्लाई करें और अपना प्रॉफिट अर्न करें। तो दोस्तों, आप लोगों को इस मुहिम से हमारे साथ जुड़ना है और जल्दी जल्दी लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाना है। और दोस्तों, साथ साथ आपकी स्क्रीन पर टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक स्टॉक मार्केट सीरीज आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जल्दी जल्दी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।